संसद 16 नवंबर से चल रहा है। हर दिन कांग्रेस हंगामा कर रही है लेकिन चर्चा नहीं कर रही। सरकार शुरू से कह रही है कि चर्चा करे लेकिन नियमों के चक्कर में न पड़े। लेकिन कांग्रेस को चर्चा करनी ही नहीं, बस बाहर से वार करना है और भूकंप की धमकी देनी है। राहुल ने भूकंप वाले बयान के बाद एक और बयान दिया है और कहा है कि उनके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फॉर द लास्ट मंथ वी हैव बीन ट्राइंग टू होल्ड अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट हाउस। वी हैव डिस्कस्ड विद द स्पीकर टू अलाउ अ डिस्कशन डिस्पेंसिंग ऑल रूल्स। Pretty much unconditionally we are ready to have a discussion, but the government is not interested in having a discussion. I've already said it before, the Prime Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha, because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon. And I am not being allowed to speak in the house. So I would request the government to allow the entire opposition to speak in the house, because he owes this country an explanation. He has taken a decision against the poor people of this country. He has destroyed millions of lives. And he is answerable. He has personally taken this decision. And he cannot keep running away from the house. He cannot keep running away to pop concerts, to public meetings. This is a democracy. He owes the country an explanation, and he owes us, the entire opposition, a space in the discussion in the Lok Sabha. राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने निशाना साधा है और पूछा है कि कहां गुम हो गए राहुल, और अपने गलत बयान के लिए भी माफी मांगने के लिए कहा। वो कहां चुप गए थे, कहां गुम हो गए थे? यानी पार्लियामेंट नवंबर 16 तारीख को शुरू हो चुका है। नवंबर 16 तारीख से हर दिन विपक्ष को, कांग्रेस को, तृणमूल को हम कहते रहे, आप नोट बदली के इस बहस में और जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है, उसके बारे में आप चर्चा करो। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरा एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया के सामने। जब वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पार्टी यानी एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में ये नोट का लेन देन चलता है, इसलिए वो हताशा में, निराशा में सबर खो करके कुछ भी बोल रहे हैं। अब आप ही सोचिए जरा, जिसके पास कुछ होता तो क्या वो संसद में सबूत लाकर नहीं बोलते, धमकी क्यों देते? और गीदड़ भपकी पर राहुल को सुनना तो पड़ेगा ही।